दोस्तों, अब होगी जिंदगी खराब अगर ऐसे करते हैं आप, क्योंकि आजकल की बीमारी के बारे में जरूर जानिए, सोचिए और सुनिए। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ज्यादा मेहनत करने से क्या होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, पूरा शरीर खराब हो जाता है ज़्यादा मेहनत करने से। इसीलिए आसान काम जो है वो ढूंढ करके करना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति जैसे करते हैं वैसा काम करना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 2, सही नियम का पालन करने पर क्या क्या खाने को आसानी से मिल जाएगा? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, सही तरीका से नियम का पालन करने से दुनिया का हर चीज़ मिल सकता है खाने को बेगर मेहनत का। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि नियम का पालन जो है वो जरूर करें आप लोग। सवाल नंबर 3, आंतरी क्यों खराब हो जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, बांदा गोभी जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं को आंतरी खराब होता है और आंतों में कैंसर पकड़ लेता है। इसीलिए बंदा गोभी सब्जी खूब खाना चाहिए दोस्तों, या सलाद बनाकर। सवाल नंबर 4, जिन लोगों को ज्यादा सांस फूलती है उनको कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए, भूल करके भी दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए सांस फूलने वाले आदमी को। अगर सांस फूलने लगे तो थोड़ा सा नमक और गर्म पानी तुरंत देने से वो आसानी से ठीक हो जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 5, बच्चे को पढ़ाने से क्या फायदा मिलता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, बच्चे को पढ़ाने से बच्चे को और सब परिवार को जिंदगी जो है उस स्वर्ग के समान हो जाता है घर में। इसीलिए बच्चे लोगों को ट्यूशन या और जरूर पढ़ाना चाहिए। सवाल नंबर 6, जिनको भूख नहीं लगती हो उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, त्रिफाला का चूर्ण हरे बहेरा आंवला और उसमें काला नमक कूट करके पीस करके रख दें और चूर्ण बना करके खाना खाने के बाद में आधा चम्मच खाएं, भूख इतना लगेगा कि। सवाल नंबर 7, शरीर गर्म हो जाए तो तुरंत क्या खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, तुरंत चीनी खाना चाहिए, नहीं तो तुरंत लकवा मार देता है, या तुरंत स्नान करना चाहिए। चीनी खा लेने से शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है तो लकवा नहीं मारता है। सवाल नंबर 8, घर में बरकत कब होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, सब परिवार को मिलजुल करके राय सलाह से काम करने से घर में बरकत होती है और लक्ष्मी माता जो है वो घर में दौड़ करके आती है। इसीलिए मिलजुल करके काम करें। सवाल नंबर 9, नहाने के बाद कौन सा काम जरूर कर लेना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, सुबह में नहाने के बाद में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए और प्रसाद जरूर माता दुर्गा को या देवी दुर्गा कोई भी हो उसको भगवान का जरूर चढ़ाना चाहिए प्रसाद। सवाल नंबर 10, लेटिंग जाते समय लकवा की बीमारी क्यों हो जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, जो लोग रात में ज़्यादा खाना खा लेते हैं और लेटिंग जाने में सुबह में देर होती है उन्हीं लोगों को
बीमारी लकवा या फालिस की हो जाती है। इसीलिए रात के खाना में थोड़ा कम खाएं, और जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनको भात रोटी कभी भी खाना चाहिए, तो भात रोटी दोनों मिलाकर के खाना चाहिए। इससे कभी नहीं लकवा की बीमारी होगी। और अच्छा से अच्छा खाना खाएं और सुंदर खाना खाएं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा कि ऐसी जानकारी बीमारी के बारे में आप लोगों के पास हमेशा मिलती रहे, और आपके पास जितनी भी बीमारी है वो हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें। माता दुर्गा से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू दोस्तों।